सीडीएस अनिल चौहान ने किया चिनार कॉर्प्स का दौरा। जी हां, चिनार कॉर्प में सेना के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। सीडीएस अनिल चौहान ने दौरा किया है सेना के अधिकारियों के साथ, ये बैठक हुई है। तस्वीरें आपके सामने। लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, सेना एक्शन में है और सर्वोच्च अधिकारी भी इसको पूरी तरह संज्ञान में लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर। और आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। कल दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। सीडीएस अनिल चौहान श्रीनगर के दौरे पर रवाना हो गए। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। और बांदीपुरा में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। और सोर्सेस के हवाले से खबर ये कि एक आतंकवादी को एनकाउंटर में मार भी दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर बड़ी बैठक की और सुरक्षा बलों को कई निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में आतंक का फाइनल प्रहार का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। कल दिल्ली में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि राज्य में आतंकवाद को कुचलने का हर संभव प्रयास किया जाए। आतंकवाद समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई और अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था हो। हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवल, आर्मी चीफ मनोज पांडे समेत खुफिया विभाग और सुरक्षा बलों के अफसर मौजूद रहे। बैठक के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी एजेंसियों के प्रमुखों और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जीरो डोमिनेंस और एरिया डोमिनेंस प्लान के जरिए कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलता को जम्मू क्षेत्र में दोहराने के निर्देश जारी किए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नई तकनीकों के जरिए आतंक पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।